अब आप ये पीछे का ऐसे करके व्यू देख लीजिए, कितना मस्त लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, खूब लगनू चाहिए, खूब लगनू चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं तिवाड़ गांव में, अब हो चुके हैं नाइट, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं डोबरा चांटी पुल, जो इंडिया का सबसे बड़ा। आप लोग करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी। तो बच्चों की रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज देखिए हमारे साथ पलटन निकली है, पलटन मार्केट वाली नहीं, ये हमारी अपनी पलटन है। ये मेरे भाई के ससुर जी, जिनका मैंने आप लोगों के पास शेयर भी किया हुआ है कि मेरी सिस्टर इन लॉ है जिसका इंग्लिश सीखो चैनल है, उन्हीं के पापा हैं ये, टैलेंटेड बेटी के पापा हैं ये, भाई हैं, मम्मी हैं, ये सासू जी हैं, सबसे मिल लो। और ये नेगियन फैमिली हमारी, इधर 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 इधर, और ये आज हमारे ड्राइवर भी हैं, है ना, वो भी फ्री वाले, और गाड़ी भी इन्हीं की है, तो ना तेल हमारा ना कुछ हमारा, मजे हमारे बस। तो हम लोग जा रहे हैं आज टीरी में, जो सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल बना है आप लोगों को पता ही है, और वो उसको ही देखने हम लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है। हमारा वहाँ कुछ काम था, लेकिन जब सबने बोला कि तुम लोग जा रहे हो तो हम लोग भी चलेंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है। और अभी हम यहाँ से, वो सामने आपको दिख रहा होगा, सामने दिखाओ, सामने है नरेंद्र नगर, हम यहाँ के रास्ते से जा रहे हैं, हम मसूरी रोड से नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। तो ये नरेंद्र नगर के रास्ते से जाना सही रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें फिर हरिद्वार का, हरिद्वार नहीं जाना होता, ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ से शॉर्टकट भी पड़ता है। तो ये बच्चे हाय 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 कर रहे हैं, हेलो हेलो कर रहे हैं, सर भी घूमता है, वॉमिटिंग भी होती है। बहुत टाइम बाद लंबी यात्रा हम कर रहे हैं, और ये रोड का व्यू है, आप लोगों को पसंद आएगा, बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और मेरा बर्मन रिंग रुचा, मेरे कपाल घूमू, हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाते हुए, फ्री में हमें ले जाते हुए। हम आ गए ये चंबा टीरी की मेन रोड पे, और नीचे का व्यू देखे, कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा, और यहाँ पे फोटो सेशन भी हो रहा है साथ में, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी चाय डिस्ट्रीब्यूट होते हुए, ये जरूर रखें अपने पास, ये नमक है, और ये नमक भी अपने पास जरूर रखें, पिसू लूण, पिसू लूण चाहिए। ससुर जी हमारे एकदम एक्सीलेंट है, एक जगह काम में, हमारे पास है पूरा, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और अभी जब ये कुछ अपनी आर्ट बना लेंगे ना, उसके बाद मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, है ना, या उसकी फोटो शेयर करूंगी, है ना। तो ये मेरे भाई का साला है, पहुंच चुके हैं अभी टीरी के तिवाड़ गांव में। हमारे जो मेरे भाई के सास ससुर आए हुए हैं, उनको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि वो यहीं के निवासी हैं, और अब वो ये टीरी डैम जब बना था उसके बाद वो लोग भानीवाला शिफ्ट हो गए थे। तो आप लोग ये देख लीजिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है, और आपको दिख रहा होगा पानी का कलर टोटली, मतलब जैसा सुना होता है ना नीला, वैसे, और ठंडी ठंडी हवा है। हमने ये मतलब हमें अच्छा लगा कि चलो हम काम से आए थे, लेकिन काम के साथ
हमने पूरी फैमिली को ले लिया और मम्मी जी तो गाड़ी देख के ही वॉमिटिंग शुरू कर देती हैं, तो वो तो मुश्किल था उनका यहाँ आना, इसलिए उनको नहीं लेके आए। और बस मेरी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो टैबलेट ली और थोड़ा एसी लॉग होता है ना वो लिया था, उससे थोड़ी ठीक है। और हमने पहाड़ी नमक और संतरा था, वो संतरा खाया तो उससे बहुत राहत मिली। तो अब आप ये पीछे का ऐसे करके व्यू देख लीजिए, कितना मस्त लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो साथ आए हैं हमारी पार्टी, वो लोग क्या कर रहे हैं। चले चलो ठीक है, क्यों उल्टी हो रही है? मम्मी को भी जबरदस्ती पकड़ लिया। रिंग होनी चाहिए, अगर मम्मी जी को लाते ना तो हमें गाड़ी से निकाल देते, बोले मेरे को लेटने दो यहाँ। मन भी ऐसे कर रहा है, मैं गाड़ी में ही रहूं। ठीक ठीक। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हैं। मस्ती कर रहे हो, मजा आ रहा है क्या? पीछे क्या है? टीवी टीवी टाइम। ओके, इसको देखने हम अभी जा रहे हैं। पतली वाली मैट बिछ चुकी है। और यहाँ पे ससुर जी आप क्या कर रहे हो? हम ये पहाड़ी छोले बना रहे हैं। यहाँ पे देसी हमारा, ये देखिए सब चल रहा है यहाँ पे, चूल्हा चौका सब यहीं पे आ रखा है हमारा। और ये बढ़िया है, ये हमारा मोबाइल किचन है। मोबाइल किचन, हाँ ये मोबाइल किचन है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आ जाओ हमारे साथ। और क्या क्या लाए ससुर जी आप हमारे लिए? बना ससुर जी ने बोला बस आप लोग हमें ले जाओ अपने साथ, हमारे साथ आओ, और खाना पीना की व्यवस्था सब हमारी तरफ से, आने की तरफ व्यवस्था उनकी तरफ से। तो मजा आ गया आज। अरे बिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। जाय के लाए हैं भंडारी जी ने हमारे लिए बहुत ही टेस्टी छोले बनाए हैं। बहुत ही लजीज। जाय के लाए। अब हर जगह प्रोग्राम बनाएंगे गाने का, और छोले बनाएंगे, और कुक रहेंगे भंडारी जी। पूनम माँ से बोलेंगे मेरे पापा का फायदा उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लंच कराया। अभी अभी थैंक यू, मजा आ गया। अभी से धन्यवाद, अभी तो पुल दिखाया नहीं, तो अभी पुल दिखाएगा, मुंह दिखाई पड़ेगी ना। अच्छा, क्यों पड़ेगी? अरे जब पहली बार किसी का मुंह देख रहे हैं तो पैसे तो देने पड़ते हैं ना, मुंह दिखाई तो देनी पड़ती है ना। अच्छा ये बात है, हाँ देनी पड़ती है। यहाँ देखो समझ बस, यहाँ से निकाल के संत जी को दे देंगे। लड़की की माँ की नजर पर्स पर पड़ी है, ठीक है, ये देखिए आप, और ये माँ मेरी है। चलिए चलिए चलिए, पौड़ी पौड़ी दुकड़ा। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल, जो कि रॉक से बना हुआ है, देखिए बिल्कुल वैसी शेप में है। और अब हम आपको ये जो दिखा रहे हैं, ये तो और कमाल की चीज़ है, ये साफ दिखेगा, ये कैसा दिखेगा पता नहीं, हमें साफ दिख रहा है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर, उत्तराखंड में। तो अभी सासू जी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इनका बचपन यहाँ निकला है और ये टीरी डैम इन्हीं के सामने सामने बना है, तो है ना, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन इनको है। तो सासू जी आप बताओ अपने कुछ एक्सपीरियंस कैसा कैसा था यहाँ पे। यह हमारा गांव है, ये यहाँ पे पलास, यहाँ के लिए बोलते थे पलास गांव है यहाँ पे, ये तो डूब गया। हाँ, ये यहाँ पे गांव था, ये वाला पूरा यहाँ पे था गांव। हाँ, नीचे खेत थे पूरा, मतलब ये डूब गया, ये लोगों को विस्थापित करा दिया यहाँ से। हाँ, यहाँ पे सिराई है, सिराई गांव बोलते थे यहाँ पे, सात गांव सिराई। अच्छा, सात गांव सिराई है, इंटर कॉलेज था। अच्छा, तो हमारे गांव से उप्पू से बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते थे। हाँ, जब नाइन्थ में आते थे तब बच्चे यहाँ आते थे, इंटर तक यहाँ कॉलेज था। अच्छा, उसके बाद टीरी कॉलेज था। तो ये सामने डैम है, सामने जो पुल दिख रहा वो डैम बना हुआ है। फिर सात गांव सिराई भी डूब गया। हाँ, बहुत सारे गांव जो है मतलब सारे यहाँ पानी में समा गए। हाँ, तो अभी मतलब जितना ये सुंदर दिख रहा है उसके पीछे ये भी है कि यहाँ पे बसे बसाए गांव भी डूब गए थे, है ना। हाँ, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा प्लेन, बहुत बढ़िया गांव थे, अच्छे अच्छे गांव थे, प्यारा होटल लग रहा है ये। और मतलब ये सोच है, ये भी एक सोच है कि पानी के बीच में इस तरह से होटल बनाए गए हैं, और जो कि मूव भी हो सकता है इधर से उधर।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। और मतलब इस सफर को हम कितना छोटा बना ही नहीं सकते, क्योंकि सच में अगर हर चीज को देखा जाए तो ये बहुत लंबा सफर है। अभी हम डोबरा चाटी पुल में हैं। इसको 14 साल बनने में लगे और ये 400 मीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो वेस्ट फेस है वो है डोबरा, जो डोबरा चाटी के नाम से रहा, तो इसका वेस्ट फेस है डोबरा, जो डोबरा गांव है यहाँ का, वो डूब गया है। और जो ईस्ट फेस है वो चाटी है। इसके ईस्ट फेस में देखो ऊपर तो वो चाटी गाँव दिख रहा है, वो सामने वाला ना चाटी गाँव दिख रहा है, तो इसलिए इस पुल का नाम डोबरा चाटी पुल पड़ा है। इसका एक किनारा डोबरा में, एक किनारा चांटी के नीचे पर, इसलिए इसका नाम डोबरा चांटी पुल पड़ा है। हाँ। इसको बने करीबन 14 साल लगे और ये इसके जो लंबाई 400 मीटर लंबाई है इसकी। तो डोबरा चांटी पुल की लाइट देखिए आप लोग खुल चुकी है और ये खुली वन, और वो वहां पे देखो वो मेंटेन कर रहे हैं भैया, ग्रीन ब्लू, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जो भी पर्यटक हो उसको पुल पर जो वाहन खड़े हो उसको फॉलो करना है इन चीजों को ना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अब हो चुके हैं नाइट, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं डोबरा चांटी पुल, जो इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज का ब्रिज को, जो कि 14 साल लगे इसे बनने में और ये बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन आप देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, हम भी चल रहे हैं और बच्चे आगे मज़े लेते हुए चले गए हैं। और ये अच्छा है कि ये ना कलर चेंज कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्रिज बहुत पसंद आ रहा होगा, हमें बहुत पसंद आ रहा है। और आप लोगों को दिखाने की वजह से ही हम अभी रुके हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ नाइट स्टे नहीं करने वाले, हम जाने वाले हैं और हमारी बाकी फैमिली आगे की तरफ जाके अपना इंजॉयमेंट कर रही है। तो हमने कहा चलो अब हम चलते हैं अपने घर को चलते हैं। तो पहले एक बार आप लोगों को दिखाना बनता है कि कैसे लग रहा है। टाइम टू टाइम ये कलर चेंज कर रहा है और आप लोग भी जब आएंगे ना तभी आप फील करेंगे, लेकिन आज हमें घर जाना है, नहीं तो हम और इन्जॉय करते। और बस ये वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोगों को हमारा सफ़र अच्छा, आप चाहेंगे कि हम फिर कभी आके और अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और हिम्मत मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ। और यहाँ पे एक थोड़ी सी राइडिंग के लिए मुझे बाइक भी मिल गई थी, तो अच्छा लगा मुझे कि चलो मेरा बाइक वाला सफ़र यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ, एक छोटी सी राइड तो हो ही गई थी। तो अभी चलते हैं, यहाँ ठंड भी बहुत हो गई है और अब इसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा बहुत ही अच्छा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।